अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के? ठीक है। अच्छा हाँ जी, मुझे कंफर्म कीजिए कि मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को। और वालेकुम सलाम जी, सर आ रही है। अच्छा, गुड। आज कम हो गए हैं लोग, क्या बात है? छुट्टियां मनाने के बाद थक गए हैं क्या? हाँ, 10-11 लोग तो आते ही आते हैं। अच्छा चलो, एनी हो आ जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता आ जाएंगे। जब मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ तो मुझे बताइएगा स्क्रीन ठीक है जी। स्क्रीन भी नजर आ रही है। बताइए मुझे, स्क्रीन नजर आ रही मेरी? नो सर, अभी तक तो नहीं आ रही। नहीं आई? अब आ गई सर। नहीं किया। ठीक हो गया, अच्छा जी, जो हमारी वेबसाइट है ना, इसकी अमेज़न की वेबसाइट, चले वेबसाइट एक खुली हुई है हमारे पास। वैसे मेरे पास एक और तस्वीर जिसमें ये है, देखिए ये एक पिक्चर है, मैं आपको ना सेंड कर दूंगा। इसके अंदर काफी स्टेट्स के कोड लिखे हुए हैं, ये भी गूगल की हुई है, आप ढूंढ सकते हैं खुद भी, इसका कोई बड़ी बात नहीं है। भाई क्या होगा, अभी तो बड़ा अच्छा चल रहा था, अभी बताऊं क्या हो गया। इसको मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ। ये देख रहे हैं, ये पूरा मैप बना हुआ है अमेरिका का। ये जितने नंबर है ना, तो ये सारे सोशल सिक्योरिटी नंबर है, सोशल सिक्योरिटी SSN नंबर। आपको बताया था कि सोशल सिक्योरिटी नंबर दे दें, ये कोई भी दे दे, कोई भी दे दे, जैसे 11024 मैं दे देता हूँ। मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ, तो ये चेंज हो जाएगा। वन वन जीरो टू फोर। ठीक है, तो ग्रेट नेक के कुछ जगह है अमेरिका में, तो ये वहां की वेबसाइट आ गई। तो आपको ये मैं सेंड कर दूंगा उस पे व्हाट्सएप पे, तो आप इसको यूज करते हुए amazon.com पे चले जाइएगा। और इसके बाद अच्छा, अब इसमें से कुछ चीजें रह गई थी तो वो हम कवर कर लेते हैं, ताकि फिर हम इसकी कुछ थ्रेटिकल पार्ट की तरफ भी आए। ठीक है ना, मैं आपको ये पूरी वेबसाइट गो थ्रू करवा रहा था, और ये आपकी टिप्स पे होनी चाहिए चीजें, क्योंकि उसके बाद आपने इसमें से बहुत सी चीजें निकालनी है जिसकी बेस पे आपने प्रोडक्ट हंटिंग करनी। तो पहले तो ये चीज समझ में आनी चाहिए ना आपको। चले, हम दोनों तरीके बताए थे। एक तो बेस्ट सेलर है, एक ये कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट का नाम याद है तो उसका कीवर्ड, मतलब यहाँ पे आप कीवर्ड दे सकते हैं। और ऑल में जाके भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये बेस्ट सेलर आ रहा है, इसमें न्यू रिलीज आ रही है। अगर नई जो रिलीज हुई है इस पर क्लिक कर देंगे तो न्यूली रिलीज जितने प्रोडक्ट्स और ये सारी
जो कैटेगरीज या निशेज आ रही है, ये न्यूली रिलीज, अमेजोन हॉट न्यूली रिलीज, ये वो आ गई। इसके अंदर भी आप देखें आपके पास काफी सारी है, देखें होम किचन किंडल स्टोर है, किचन डाइनिंग है, ऑफिस प्रोडक्ट है। अच्छा आज निशेज पे भी मुझे बात करनी है, आप मुझे याद करा दीजिएगा। पेट सप्लाईज है, ये वो है जिसमें हम काम करते हैं, टूल्स होम इम्प्रूवमेंट है। अच्छा टॉयज जो है गेटेड होता है, बताऊंगा मैं गेटेड क्या, गेम्स है, वीडियोस गेम्स वगैरह में हम नहीं जाते। अच्छा गेट पे भी, गेटेड पे भी हम जा सकते हैं, गेटेड पे अनगेट करना आता वो मैं आपको सिखाऊंगा, तो इसमें कॉम्पिटिशन कम होता है, ये भी बड़ा जबरदस्त काम है। हैंडमेड प्रोडक्ट्स भी है, अच्छा हैंडमेड प्रोडक्ट्स देखते हैं, आहिस्ता आहिस्ता आपको सारी रट्टी जाएगी, आपको हर चीज याद हो जाएगी, लेकिन बेशर्ते कि आप घर पे थोड़ी प्रैक्टिस किया करें। ये कोई इतना बड़ा काम नहीं है, आप मोबाइल पे भी ओपन कर सकते हैं, आप पीसी लैपटॉप पे भी ओपन कर सकते हैं। अगर amazon.com पे जाते हैं तो आप सोशल सिक्योरिटी नंबर दे दें, amazon.cu.uk पे जाते हैं तो पोस्ट कोड है, तो वो मैंने आपको लिखवाए थे, मैं उसकी आज उसके भी स्नैपशॉट भेज दूंगा, बहुत से मेरे पास है, कुछ आप निकाल लीजिएगा। amazon.ue पे चले जाइए, 3-4 वेबसाइट्स हैं, इस पे आप अपनी खूब प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है ना। तो ये क्लोदिंग एंड शूज है, तो ये देखिए ये हाथ से बने हुए हैंडमेड है सारे, ठीक है ना, ये प्रोडक्ट्स अमेज़न पे बिक रहे हैं, हैंडमेड प्रोडक्ट्स है ये बात, ठीक है। अच्छा अब आपको जो हमने बताना था ना, चले ये मास्क है, वॉशेबल क्लॉथ फेस मास्क फॉर वुमेन है, रीयूजेबल है, ब्रीदेबल है, प्रिंटेड फेस मास्क है, ठीक है। बड़ा अच्छा चल रहा था, पता नहीं क्या हो गया, अचानक शुरू क्यों हो गया, काफी जोर से काम कर रहा था कुछ और। आगे चले जी, अच्छा ये भी मैं अभी आपको एक डॉक्यूमेंट बताऊंगा कि ये जो टाइटल है, टाइटल किस तरह देते हैं इसमें, और इसके अलावा ये जो फीचर पॉइंट और बुलेट पॉइंट है इसकी हमने बात की थी, इसके क्या तरीका कार है, क्या कुछ इसमें देते हैं, पिक्चर्स की भी अभी बताऊंगा, ठीक है। अच्छा ये तो इसकी स्पेसिफिकेशन दी हुई है, कलर है प्योर कलर है, ब्रॉन्जिंग मास्क है, मटेरियल कॉटन है, डायरेक्ट ये किस्म की डिस्क्रिप्शन आ गई, सही है। अब इसमें एक चीज होती है जो ये प्रोडक्ट डिटेल्स आ रही है, ठीक है। अब प्रोडक्ट डिटेल्स में कुछ टेक्निकल चीजें जो हम यहीं पे आपको बताते जाएंगे और समझाते भी जाएंगे, ठीक है। एक तो हो गया जी पैकेज डायमेंशन, अब ये दो चीजें होती है, एक होती पैकेज डायमेंशन और एक होता वेट, ठीक है जी। अब इसमें जो समझने वाली बात ये है कि अब कभी आप PIA से या पाकिस्तान रेलवे से भी सामान बुक कराए ना, तो जो बड़े आइटम होते हैं, जैसे आप रेलवे से कोई घर की बड़ी पेटी बुक करा लेते हैं, ठीक है ना, तो पेटी का साइज बड़ा होता है ना, बहुत बड़ा साइज होता है, तो वो क्या कहते हैं, उसको मेजर करते हैं। कैसे मेजर करते हैं, उसकी लेंथ हाइट ब्रेथ ये तीनों मेजरमेंट लेते हैं, फिर वो 0.7 कुछ से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका वेट आ जाता है, यानी कि मेजरमेंट से वेट कन्वर्ट हो जाता है। और एक उसको वो डायरेक्ट वेट करते हैं, यानी वेइंग मशीन बड़ी होती है उस पर रखते हैं, वो डायरेक्ट वेट करते हैं। अब उन दोनों में से जिसका वेट ज्यादा होता है वो चार्ज करें, तो ये जनरल रूल है, चाहे PIA में जाए, चाहे रेलवे में जाए, और चाहे यहाँ पे भी यही रूल लगा हुआ है। इस बात को आप समझने की कोशिश करें, ठीक है, जो मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगर जो बड़े आइटम होते हैं तो उनको बाय मेजरमेंट भी कैलकुलेट किया जाता है, और यहाँ पे भी अमेजोन में कई जगह पे आपको मेजरमेंट लाजमी देनी होती है, तो मेजरमेंट से कैलकुलेट करके वेट निकाल लेते हैं, प्लस उसका आप वेट भी मेंशन करते हैं, फिर देखते हैं वो कौन सा ज्यादा है, वो चार्ज कर लेते हैं, ये कर, ठीक है। तो वही पैकेट डायमेंशन वही है, तीन साइज, यानी कि लेंथ ब्रेथ और हाइट इंचज में दी हुई है, तो ये 2.0 ounces बन रहा है इसका वजन, उन्होंने आगे वेट भी दे दिया। तो दो चीजें होती है, एक उसकी डायमेंशन और दूसरा वेट, ठीक हो गया जी। अच्छा ये बड़ी अहम चीज होती है, ये जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ना। अच्छा मेरी आवाज आ रही है, स्क्रीन नजर आ रही है, काइंडली मुझे बताते जाइएगा। ये ना हो कि वो लेक्चर लंबा हो, चलो बाकी लोग तो ज्वाइन करते रहेंगे, या कुछ लोग कहते हैं चलो रिकॉर्डिंग मिले, लेकिन कोशिश करें लेक्चर लिया करें, उसमें एक तो क्वेश्चन आंसर, और मैं अपना लास्ट में क्वेश्चन आंसर सेशन रख लिया करूंगा, ताकि आप नोट करें तो क्वेश्चन हो तो पूछा। अब ये लिखा हुआ ना डेट फर्स्ट अवेलेबल,
किसकी डेट है? इस लिस्टिंग की, ये जो मैं लिस्टिंग पे गया हूँ ना, ये मास की लिस्टिंग है, ये इसकी डेट है। यानी के जो सेलर है, जो बेचने वाला है, उसने फर्स्ट टाइम ये लिस्टिंग कब क्रिएट की या कब एक्टिवेट की अमेज़न पे। यानी के सिंपल वर्ड्स में, आम जुबान में, उसने अमेज़न पे कब बेचना शुरू किया। तो ये जैसे ही आपकी लिस्टिंग एक्टिवेट होती है ना, तो मैंने आपको बताया था कि इससे पहले डमी लिस्ट बनाते हैं। डमी लिस्ट को हम एक्टिवेट नहीं करते, लेकिन सेलर सेटर में क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। जब हमारी शिपमेंट आ जाती है फिर एक्टिवेट करते हैं। तो जब तक शिपमेंट नहीं आती, लिस्टिंग बना लेते हैं, एक्टिवेट करते नहीं है। तो हमें पता चल जाता है कि कोई गेटेड आइटम है या कोई ऐसा है कि जो अमेजोन के रूल रेगुलेशन के अगेंस्ट है, तो वो हमें पहले से हफ्ते 12 दिन में पता चल जाए, फिर हमारी शिपमेंट भी आ जाती, फिर एक्टिवेट करते। तो ये बेसिकली एक्टिवेट होने के बाद है, यानी कि आपकी जो कस्टमर है वो आपकी इस लिस्टिंग को अब देख सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं। अब इस बंदे की जो ये लिस्टिंग है मास की, ये है 29 मई 2021, यानी इसी साल की मई में। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, यानी कि इस 29 को इसके 3 महीने हो जाएंगे, इस अगस्त को, यानी कि 3 महीने पुरानी लिस्टिंग है। इसका मतलब है कि कोई बहुत ज्यादा पुरानी नहीं, यानी कि इसने बहुत ज्यादा सेलिंग नहीं की होगी। अगर ये लिस्टिंग होती साल दो साल, तो इसका मतलब होता है कि वो उसने अच्छे पैसे बना लिए होंगे, क्योंकि साल डेढ़ साल जो लिस्टिंग लगी है, वो बेच रहा है एक प्रोडक्ट, तो वो फिर अच्छा खासा माल बना चुका होता है। तो इससे एक्चुअली हमें क्या पता चलता है, लिस्टिंग की एज। ये आप कहीं नोट करते जाए, जो मैं बता रहा हूँ ना, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब आप लेक्चर लेने आया करें, एक नोटबुक, एक पेंसिल अपने पास रखा करें, जो बातें मैं बताता हूँ। कई दफा बंदा नहीं रिकॉर्डिंग देख सकता, जिंदगी बड़ी बिजी आकर, तो चलो कुछ चीजें तो याद रह जाती ना। तो डेट फर्स्ट अवेलेबल मींस के व्हेन दिस लिस्टिंग वाज एक्टिवेटेड ऑन अमेज़न, ठीक है ना। यानी के जो कस्टमर थे, दे कैन सी एंड दे कैन गिव ऑर्डर, ठीक है। तो बेसिकली इट गिव अस द एज ऑफ द लिस्टिंग, फ्रॉम दिस डेट वी कैन कैलकुलेट एज ऑफ द लिस्टिंग, कि ये कब से बिक रही है, कब से सेल हो रही है, कब से ये लिस्टिंग आ रही है। तो ये हमें अंदाजा एक हो जाता है, ठीक है। ये 3 महीने हो जाएंगे 29, यानी कि 2.5 महीने लगा लो, चलो एक अंदाजा। अब ये जो नंबर है ना, इसको बोलते हैं एसएन। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इससे हम बहुत से काम करते हैं, सर्चिंग करते हैं। एसएन स्टैंड फॉर अमेज़न स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर, यानी जितनी भी प्रोडक्ट अमेज़न पे सेलिंग के लिए आती है, यानी कि उनकी लिस्टिंग क्रिएट करते हैं हम, तो अमेज़न उनको एक नंबर या कोड असाइन करता है, 13 डिजिट होता है कालबन, ठीक है। तो उसको बोलते हैं एसएन, ठीक है। ये नंबर हम नहीं देते, पहली तो जेन में ये बात रखें, हम नहीं देते। अच्छा, क्योंकि हम एफबीओ होलसेल कर रहे हैं, तो इसमें तो हम लिस्टिंग बनाएंगे नहीं। हमें पहले भी बार बार आपको बताया कि हम इसमें मीटू करते हैं। मीटू का मतलब है कि जो पहले से ब्रांड होते हैं उनकी लिस्टिंग के साथ हम अटैच कर लेते हैं, मतलब तस्वीरें भी उनकी होती है, टाइटल भी उनका, बुलेट पॉइंट फीचर उनके, डिस्क्रिप्शन उनकी। हम सिर्फ उसमें प्राइस चेंज करते हैं, हमारे ब्रांड का नाम हमारा आ जाता है, उसका नहीं आएगा, ब्रांड की जगह हमारा नाम आ जाएगा ब्रांड का, और स्टॉक हमारा होगा। बस ये 2-3 चीजें समझ लिए चेंज होती, बाकी सब कुछ उसी का ही होता है। लिहाजा इसके अंदर ना कोई हम नई लिस्टिंग बनाते हैं, ना उसकी हमें रैंकिंग करने की जरूरत होती है एफबीए से। यानी रैंकिंग का मतलब उसे बोलते हैं लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज करना, कि ये उसको फर्स्ट पेज पे लाना। हम देखते हैं यार ये ब्रांड का प्रोडक्ट ऑलरेडी फर्स्ट पेज पे रैंक हुआ है, तो हमने उसके साथ चिपक जाना है, अटैच हो जाना, हमारी भी सेल शुरू हो जाएगी। तो सबसे बड़ा ये फायदा होता है इसमें, कि ये ब्लीडिंग नहीं होती, हमें एक्स्ट्रा पैसा नहीं खर्च करना पड़ता फेसबुक पे ऐड लगाने के लिए या पीपीसी रन करने के लिए, पेपर क्लिक, जो एक एडवर्टाइजमेंट का मेथड है इसका अमेज़न का अपना, या वो VVRO होता है कि गिफ्ट के तौर पे किसी को भेज देते हैं, तो कहते हैं कि जी आप रिव्यूज दे दें, तो फिर रिव्यूज जितने पॉजिटिव रिव्यूज आते हैं तो आपकी रैंकिंग अप होती जाती है। वो सारे तरीके एफबीए पीएल में होते हैं, लेकिन अगर टाइम मिला इंशाल्लाह वो भी चीजें थोड़ी थोड़ी बताएंगे आपको सामने, ठीक है। तो ये जो मैं यहाँ पे जो बात कर रहा था, वो ये बता रहा था कि ये जो एसएन है ना, कोड जो है, तो ये अमेज़न असाइन करता है, ये हम नहीं देते। अब कैसे अमेज़न, इसकी क्या लॉजिक है, कि जब हम एफबीए पीएल करते हैं और न्यू लिस्टिंग हम बनाते हैं ना, तो न्यू लिस्टिंग के लिए, ये चीज मैंने पहले भी तो रिपीट की थी, कि हर प्रोडक्ट के लिए उसके लिए हमें एक बार कोड खरीदना पड़ता है, यूपीएस, ठीक है, सॉरी यूपीसी, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड जिसे कहते हो, ठीक है। मैं उसकी तस्वीर भी दिखा देता हूँ आपको, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए यूपीसी क्या होता है।
ये देखें, ये यूपीसी होता है, ठीक है। ये आप देख रहे हैं, ये सारी यूपीसी आ रहा है, ये इस तरह लाइंस होती है, बारकोड नीचे एक नंबर लिखा होता है, वो कितने डिजिट का होता है, 5 और 5 10 11 12, ठीक है, 11 12 इधर 0 है इधर 5 है, तो 12 डिजिट का होता है। और ये लाइंस में भी इसका डेटा होता है, जिसको वो उसको बोलते हैं बार रिकग्नाइजर, आम तो स्कैनर बोलते हैं आम लोग, लेकिन जो वर्ड है ना टेक्निकल कंप्यूटर या आईटी के अंदर, उसको बोलते हैं बार रिकग्नाइजर। वो आप जाते हैं बड़े मॉल पे, तो वो हर एक के ऊपर ये यूपीसी लगा होता है स्टिक, उसमें प्राइस वगैरह होती है, तो वो आप देखते हैं कि वो छोटा एक हैंडी होता है, या फिर वो वैसे शीशे के नीचे लाइट रेड आ रही होती है, तो उसके ऊपर से वो चीजें गुजारता ना जैसे बार कोड, तो वो ऑटोमेटिकली जो है उसमें प्राइस वाइस सारा कुछ आ जाती है। बिल्कुल ये वही वाला है, ठीक है ना, बार कोड। तो ये बार कोड जो है आपको खरीदना पड़ता है बकायदा, जब आप अमेजोन पे न्यू लिस्टिंग लगाते हैं, एक्टिवेट करते हैं। यहाँ पे अभी होलसेल में आपको नहीं खरीदना पड़ेगा, बल्कि यहाँ पे आप क्या करेंगे कि यहाँ पे जब आप ब्रांड से ट्रेड अकाउंट लेंगे, यानी कि ब्रांड ये मान जाएगा कि ठीक है जनाब, आप मेरी प्रोडक्ट्स बेचें और मैं आपको लिस्ट दे देता हूँ अपनी प्रोडक्ट्स की, और साथ उसकी प्राइस लिस्ट देता हूँ, और तीसरी चीज वो बार कोड देगा। आपने उसे कहना मुझे अपने प्रोडक्ट की लिस्ट दे, उसके साथ प्राइस लिस्ट दे उसकी, और साथ आपने बार कोड लाजमी मांगना है। अच्छा, ये बार कोड क्यों मांगेंगे उससे, अपने ब्रांड से जिससे भी आपने ट्रेड अकाउंट लिया है, कि इस बार कोड को हम अमेजोन पे जाके देंगे ना, उसका नंबर इनपुट करेंगे, तो हमें वो वाली चीज, वही प्रोडक्ट अमेजोन पे डिस्प्ले हो जाएगी, तो हमें किसी भी मार्केट में जिसमें भी चेक करना है, यूएसए के करना है, तो हमें पता चल जाएगा कि ये अमेजोन पे ये कितने की बिक्री है। बात समझे, हमें आइडिया हो जाएगा कि अमेजोन पे ये बिक रही है, और अगर बिक रही है, सेल हो रही है, तो कितने की सेल हो रही है। तो ये बारकोड इसलिए हम हेल्प के लिए उनसे लेते हैं, लाजमी के बारकोड हमें देते हैं, ठीक है। इस पे भी हम डिटेल डिस्कस करेंगे, अभी थोड़ा थोड़ी मैं चीजें आपके जहन में डालता जा रहा हूँ। तो ये बारकोड होता है भाई, इसके लिए भी जो ऑथेंटिक सेलर होते हैं उसी से लेना चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि आप पीएल तो कर नहीं रहे, तो इसलिए ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। ये देखो, कंप्लीट गाइड टू अमेजोन एफबीए बारकोड, ठीक है। तो इसके अंदर यूपीसी भी होता है, एक जीटीआईएन नंबर भी होता है, ईएएन, ये मैं आज पढ़ाऊंगा भी आपको, ये एसिन है, एसिन अभी मैंने आपको बताया है कि अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर, और FNSKU। अब ये मैंने लास्ट टाइम आपको पहले बताया था, एक होता है SKU, स्टॉक कीपिंग यूनिट, ये हम देते हैं। जो भी प्रोडक्ट हम नया असाइन करते हैं, उसकी लिस्टिंग लगाते हैं, तो उसको हम एक अपनी तरफ से कोड दे देते हैं, ठीक है ना। कोई भी कोड का मतलब कोई भी नंबर अल्फाबेट से जो हमें पता होता है क्या दे रहे हैं, ठीक है, वो तो कहलाता है SKU, ठीक है, स्टॉक कीपिंग यूनिट। ये कहीं लिख लें, SKU स्टैंड्स फॉर स्टॉक कीपिंग यूनिट। लेकिन एक अमेजोन भी असाइन करता है अपनी तरफ से उसी प्रोडक्ट को, वो कहलाता है FNSKU, ठीक है, वो क्या कहलाता है, FNSKU, वो अमेजोन का है। तो जहां पे आपको ये टर्म मिले ना FNSKU, तो ये समझ ले स्टॉक कीपिंग यूनिट किसका है, अमेजोन का। अगर SKU मिले तो ये इसका मतलब है कि वो ब्रांड का या जो भी सेलर है उसका होगा, ठीक हो गया। तो आप इस तरह जाके यूपीसी फॉर अमेजोन लिख लें, FBA लिख लें, उसमें इमेजेस पे जाए, आपको बहुत से मिल जाएंगे, और जिसपे भी क्लिक करेंगे उसकी वेबसाइट भी आ जाएगी। इसमें ये फायदा होता है, आपने ये लेने हैं गाइड जो है, तो आप क्लिक करेंगे, आपको गाइड के मुतालिक पूरे पॉइंट्स मिल जाएंगे, उसको आप पढ़े, ठीक है ना। तो इसमें आपको रिसर्च भी करनी पड़ेगी, ये भी गाइड है, तो एंड सो ऑन। तो ये एक मैंने आपको एक आइडिया दे दिया कि भी इस तरह का ये बात क्यों होता है, सही। तो अब होता ये है, मैं जो बात आपको समझाना चाह रहा हूँ, मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ कि ये जो एसिन है ना, अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये अमेजोन असाइन करता है, अमेजोन असाइन करता है प्रोडक्ट को नहीं, बल्कि याद रखे हर SKU को, यानी कि जितने स्टॉक कीपिंग यूनिट अगर एक है, तो उसको एक बार कोड आपको खरीद के इनपुट करना पड़ेगा, जब उसकी आप नई लिस्टिंग बनाएंगे, जब प्राइवेट लेबल करेंगे। अगर दो है तो फिर दो करना पड़ेगा। अच्छा, मैं प्रोडक्ट क्यों नहीं कह रहा और SKU क्यों कह रहा हूँ, वो इसलिए कि मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी, वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब था कि अगर उसमें साइज और कलर डिफरेंट हो, जैसे टी शर्ट की एग्जाम्पल दी थी ना आपको, तो मैंने बोला था कि यार टी शर्ट 4 कलर की है और उसके साइज 3 कलर के हैं, तो उसमें आपको 12 बार कोड लेने पड़ेंगे। कितने लेने पड़ेंगे, 12। हालांकि लिस्टिंग एक ही है, आपने देखा था कि एक ही लिस्टिंग के ऊपर, अब जैसे यहाँ मास्क है, तो मास्क के अंदर भी देखे आप कलर बहुत से हैं, कितने कलर है आप देखें, 1 2 3 4 6 हो गए, 6 तो ये कलर है,
तो अब छह कलर का मतलब इसने तो बहरहाल मतलब प्योर कलर इसे सेट लगाया हुआ, खैर इसमें अलग लाइन नहीं है, मतलब ये कोई शूज होते हैं टी शर्ट होती तो फिर वो वेरिएशन होती, इसने तो सेट बना के लगाया हुआ है कि 9.99 का है ये मेरा ख्याल डिस्काउंट पे लगाया हुआ जो भी बल्कि 10.99 है ठीक है, लेकिन जहाँ पे वेरिएशन होगी वो यहाँ पे वो कलर भी दिखाता है और कई जगह पे जो कलर ज्यादा सेल आउट होता है तो उसकी मैंने आपको बताया था प्राइस बढ़ा देते हैं वो, और जो बिल्कुल माठा होता है चल ही नहीं रहा उसकी प्राइस कम होती है ठीक है। तो इसमें ये भी एक टेक्निक होती है कि जब आप एफबीओ होलसेल करने जा रहे हैं और आप किसी ब्रांड से कोई ऐसा प्रोडक्ट ले लेते हैं जो वेरिएशन वाला प्रोडक्ट है और आप उसमें से वो कलर उससे ले लेते हैं या वो आपको टका देता है कि जी ये बहुत अच्छा ले ले ठीक है, और आप उसके ऊपर एनालिसिस नहीं करते कि अमेजोन पे इसकी सेल कितनी है टूल्स के जरिए ये कैलकुलेट नहीं करते, तो वो फिर आप लॉसेस में जाते हैं क्योंकि वो तो आपने तो ले लिया पेमेंट कर दी और आपने उसको सेलिंग के लिए भी लगा दिया मीटू करके, लेकिन वो सेल नहीं होगा, तो बाद में आपको पता चलेगा ओ ये तो यार मैंने देखा नहीं इसकी तो सेल नहीं हो रही, तो वो आपका पैसा फंस जाएगा। उसमें होता है कि फिर आप उससे बातचीत करते हैं, उसको ईमेल भेज देते हैं ब्रांड को कि भाई ये आपने मुझे दे दिया या मेरे से नहीं बिक रहा, लेकिन वो आपसे वापस ले लेगा लेकिन फिर आपसे डिडक्शन करेगा, आपको नुकसान अच्छा खासा पहुंचाएगा, बोलेगा भाई अब इतने का मैं वापस करूंगा और दूसरा ले लो ठीक है, पैसे वापस नहीं होते या इसमें मैं ये एडजस्ट कर देता हूँ दूसरा कलर या जो भी था, लेकिन वो आपको नुकसान, इसीलिए इसके अंदर सारा काम ये होता है कि आप इसके अंदर डिफरेंट टूल से स्टैट्स निकाले और एनालिसिस करने के बाद काम स्टार्ट करें ठीक हो गया। तो वापस आते हैं भाई तो होता ये है कि जब हम नई लिस्टिंग लगाते हैं ना प्राइवेट लेबल में हमारा अपना ब्रांड बना रहे होते हैं, तो नई लिस्टिंग के अंदर अगर मिसाल के तौर पे ये एक ही चीज है एक ही कलर है एक ही प्रोडक्ट है तो हम उसका बार कोड खरीदेंगे यूपीएससी और उसका नंबर एंटर करेंगे, वो मैं किसी दिन निकालूंगा इसमें स्क्रीन वो गया मेरे पास तो सेलर सेंडर तो मैं आपको बताऊंगा, वैसे तो पूरा लेक्चर है कि वो पीएल के अंदर हम देते कि कहाँ पे वो इनपुट करते हैं ठीक है, लेकिन आपको ये नहीं करना पड़ेगा बिकॉज यू आर गोइंग टू डू एफबीओ होलसेल, तो एफबीओ होलसेल में ये काम नहीं है आपको कि आप बार कोड खरीदें और बार कोड खरीद के इनपुट करें और फिर आपको ये एसएन मिलेगा, भाई एसएन तो उस ब्रांड के जो प्रोडक्ट है उस हर प्रोडक्ट के ऊपर एसएन ऑलरेडी होगा, उसने उस ब्रांड ने जब अपना प्रोडक्ट लगाया होगा फर्स्ट टाइम तो उसने फिर अगर तो उसका प्रोडक्ट वेरिएशन वाला है तो जितने वेरिएशन बन रहे उतने उसने बार कोड खरीदे और उसको एंटर किया उतना एंटर करेगा ठीक है ना, तो फिर ये उसका एसएन नंबर जनरेट हो जाता है, फिर उसका एसएन नंबर जनरेट हो जाता है ठीक है ना। अच्छा एसएन नंबर एक प्रोडक्ट का एक होता है सही है, एक लिस्टिंग के ऊपर समझो एक होगा, अगर वेरिएशन भी है ना 10 वेरिएशन भी है लेकिन लिस्टिंग एक है तो अमेज़न उसको एसएन एक ही देगा ठीक है, ये एसएन अमेज़न जनरेट करेगा हम नहीं करेंगे, लेकिन इसके पीछे की कहानी मैंने आपको समझा दी है कि पीछे की कहानी क्या है कि जब आप नई लिस्टिंग लगाते हैं प्राइवेट लेबल में तो आप बार कोड इनपुट करते हैं उस जगह पे वो टेक्स्ट बॉक्स आता है तो ये ऑटोमेटिकली उसके बदले में एक एसएन जनरेट कर देता है, लेकिन एफबीओ होलसेल में आपको ये मिल जाएगा जो मतलब पहले से ब्रांड है उसका प्रोडक्ट है उसका एसएन नंबर आ जाएगा ठीक है। अच्छा तो ये एसएन नंबर 13 डिजिट का है, अब यही एसएन नंबर आप देखें ऊपर भी आपको मिलेगा, कहाँ पे मिलेगा स्टेटस बार पे, दो जगह से आप ले सकते हैं, ये जो है कहाँ हाँ ये जो है ना जहाँ पे इसका पूरा लिंक लिखा हुआ है इसको हाइपरलिंक बोलते हैं ना, ये देखिए यहाँ से शुरू हो रहा है, मैं आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ सॉरी, ये देख रहे हैं क्या है B093TJ841C यही है ना B093TJ, तो आप देखें नीचे चले जाए ये देखें B093TJ841C तो सेम होता है, आप वहां से कॉपी कर लें यहां से कॉपी कर लें। अच्छा इसका फायदा क्या होता है, इसका फायदा होता है कि अगर आपको कोई प्रोडक्ट याद नहीं है तो आप अमेजोन की वेबसाइट पे जाके ना सिर्फ जो है एसएन दे दें आप, जैसे मैं यूके में चले जाता हूँ चलो फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ मैं देखता हूँ कि यार ये चीज जो है यूके में बिक रही है या नहीं बिक रही है। मुझे यार नहीं
एक मिनट रुके, मैं कोड मेरे पास तक उसमें है, सिर्फ एक मिनट रुके, मैं बता रहा हूँ आपको, भेज भी दूंगा, मुझे याद नहीं रहते हैं। हाँ चले, ये वेम्बले का है मेरा ख्याल HA3, इसको दे देते हैं HA3, क्या है भाई, HA3 6QH, 6QH नहीं, हैरो का है, तो वेम्बले का भी इससे मिलता जुलता है। चले ठीक हो गया, तो ये भी मैं आपको आज भेज दूंगा ताकि आप कहीं लिख लें कॉपी वगैरह पे, तो जब आप काम करें तो डिफरेंट देखे, जो भी आपने वेबसाइट उसमें जानी है चलेगा। तो हमने क्या करना है, हम देखे, हम यहाँ पे गए और हमने यहाँ से इसको कॉपी किया, ये हमने इसके आपके सामने ये कॉपी कर लिया, ये कंट्रोल सी कह दे, ठीक है ना, यहाँ आए, यहाँ आके हमने इसको कंट्रोल वी कर दिया, ये देखे, और एंटर कर दिया। ये मेरा ख्याल नहीं है, यहाँ पे है नहीं, वो कुकीज वगैरह का दे रहा है, ये वही अमेरिका की साइज उस पे आ रहा है, ये कुछ और ही बता रहा है, नहीं दिखा रहा है, ठीक है। हाँ अलबत्ता हम ये कर लेते हैं, हम इसमें कॉपी तो किया है ना हमने, तो हम लिख देते हैं बैट्स, ठीक है। अब ये बैग्स आ गए, सही है, अब बैग्स आ गए, अब मैं इस बैग्स पे चले गया, एक मिसाल है, अब मुझे याद आ गया कि यार मैंने वो वाला जो दिया है ना उसको मैं देता हूँ, ये देख, अब मैंने SN नंबर दे दिया, देखे फौरन आ गया, आया ना, अब देखे मैं किसी और लिस्टिंग पे था, कहीं और चले गया मैं, तो मुझे जब भी सर्चिंग करनी होगी तो मैं ऊपर जो सर्च बार है उसके अंदर SN दे दूंगा, तो वो क्या हो जाएगा, सर्च करके उसकी लिस्टिंग ले आएगा, इसी लिस्टिंग पे थे ना, तो एक तो इसका ये बहुत बड़ा फायदा होता है कि आपके पास, ये अभी लोड कर रहा है थोड़ा, मेरा ख्याल टाइम ले रहा है या क्या चक्कर है, ये आ गया, अच्छा चलिए ये आ गया, इसी लिस्टिंग पे हम गए थे, ये देखें यही था ना, B093TJ84, ये इस पे हम आ गए। अच्छा एक और है कि अगर हम ये देखना चाहें ना कि यार ये जो है प्रोडक्ट जो है ये इंडेक्स है कि नहीं, कीवर्ड, सॉरी कीवर्ड जो है वो इंडेक्स है या नहीं, ठीक है ना, तो उसमें हम कीवर्ड और उसके साथ ये इसका SN नंबर देते हैं, ठीक है। अब वो मुझे याद नहीं इस वक्त आ रहा कि कीवर्ड पहले लिखना पड़ता है, अच्छा ट्राई कर लेता हूँ मैं, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, जैसे मास्क लिख देता हूँ मैं, ठीक है, बल्कि उसी पे जाते ना, मैं एक काम करते हम किसी और लिस्टिंग पे जाते हैं पहले, ये तो हमने कॉपी किया हुआ है, हम वापस चले जाते पीछे वो बैग्स वाले पे चले जाते हैं, फिर देखते हैं कि ये इंडेक्स वाला काम कर रहा है नहीं कर रहा, जब आफ्टर 5 मिनट्स दिस मीटिंग विल बी टर्मिनेटेड इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लिंक भेज दो। हाँ भाई चले मैं इस पे आ जाता, बैक्स पे आ गया ना, लेकिन ये अभी भी वही दिखा रहा है भाई, मैं लिख देता हूँ प्लास्टिक जार्स, चलो मुझे दिखा रहा है, ठीक है ये प्लास्टिक जार्स आ गए, अब मैं यहाँ पे कोई भी लिस्टिंग खोल लेता हूँ, चलो ये सारे प्रोडक्ट आ रहे हैं प्लास्टिक जार्स के, किसी ने वीडियो डाली हुई है, किसी ने कुछ डाला हुआ है, ठीक है ये सारे प्लास्टिक जार्स आ रहे हैं, सही हो गया इसमें कोई, चलो ये बड़ा अच्छा एक सेट बना हुआ है सनफ्लावर ओवरी का, इस पे चलेगा। अच्छा अब मैं ये करता हूँ, एक मिनट, पहले मैं ना लिखता हूँ मास्क, पहले कीवर्ड देता हूँ और कंट्रोल वी करके मैंने ये दे दिया, देखता हूँ पहले देते हैं बाद में, अब देखेंगे, देखे अच्छा ये जो ले आया ना इसका पता क्या मतलब है कि ये कीवर्ड जो मास्क है इसके ऊपर इंडेक्स हुआ हुआ है, ये कीवर्ड किस पे इंडेक्स हुआ हुआ, अगर ये इंडेक्स नहीं होता ना तो ये लिस्टिंग कभी भी नहीं आती, ठीक है। इंडेक्स ये होता है जब हम प्राइवेट लेबल करते हैं ना, तो हम कीवर्ड पे जब काम करते हैं तो कीवर्ड्स को हम इंडेक्स करते हैं कि कोई भी इसे ढूंढे तो हमारी लिस्टिंग फौरन आ जाए, ये जो मैं उर्दू में आपको बता रहा हूँ ना कि भाई कोई भी ढूंढे
वो लिखे मास्क, मतलब कीवर्ड दे मास्क, तो हमारी ये वाली लिस्टिंग आ जाए फॉरन। इसको बोलते हैं इंडेक्स करना, बात समझ। या ऑप्टिमाइज कह लेंगे, फर्स्ट पेज पे आ रही है कि वो बंदा ढूंढ रहा है। जैसे आप गूगल के ऊपर अपनी कोई वेबसाइट है आपकी, तो आपने उसको बेसिकली एसईओ किया होता है, तो एसईओ करना का मतलब यही होता है कि इंडेक्स करना, इंग्लिश पे ऊपर ले आना, ठीक है। तो आप वो वेबसाइट का नाम लिखते हैं गूगल पे, तो वेबसाइट आ जाती है पहले पेज पे फौरन। बिल्कुल वही चीज यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ पे एक मैंने कीवर्ड लिखा है, ये इसके लिए जनरल कीवर्ड तो मास्क ही है ना, कॉटन मास्क कह ले, चलो मैं कॉटन मास्क कहता हूँ। अगर ये कॉटन मास्क है, ये भी एक कीवर्ड, अब ये पूरा एक कंप्लीट कीवर्ड है कॉटन मास्क, आगे मैंने उसका एसिन दे दिया, ठीक है। तो ये तरीका है, ये कहीं नोट कर ले कि अगर आपने ये देखना हो कि यार ये कीवर्ड इंडेक्स है इस लिस्टिंग पे, क्या कह रहा हूँ, ये कीवर्ड इस लिस्टिंग पे इंडेक्स है या नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, पहले तो देंगे कीवर्ड, जो भी कीवर्ड है उसको चेक करना, और फिर उसका प्रोडक्ट का एसिन दे देंगे। अगर वो क्लिक करने पे या सर्च करने पे प्रोडक्ट आ जाती है, तो आप समझे कि ये आपका कीवर्ड जो है वो क्या है, ये कीवर्ड आपका वो है। तो देखिए ये एग्जैक्ट कोई आया नहीं है, लेकिन कॉटन मास्क के ऊपर आपके पास मेरा ख्याल ये आ गया, ये देखिए दो आए हैं, ये भी इसके ऊपर है, मतलब इसने भी कॉटन मास्क के ऊपर इंडेक्स किया हुआ है, लेकिन इसने भी किया हुआ है, सही है। लेकिन इसका अगर मैं देखूंगा ना, तो इसका कोई और नंबर होगा, खैरो मैं इसको क्लिक करता हूँ, ये B093TJ ही है, या क्योंकि एक एसिन एक लिस्टिंग पे होता है, इसको मिल नहीं सकता, ये ऊपर ही देख लेते हैं, ये देखें ये B08 है, देखें ये B093TJ है ना, तो ये है B08। अच्छा, और इसके साथ जो ये दिखा रहा था ना, ये वाला था, ये आ रहा है, ये देखें ये यही है B09। तो इसका मतलब है कि एक से ज्यादा कीवर्ड पे ये इंडेक्स हुए हैं, यानी इसने कॉटन मास्क और खाली मास्क दोनों यूज किए हुए, जिसपे इसने इसको इंडेक्स किया हुआ है। मास्क तो यहाँ भी यूज हो रहा है मेन, इसमें भी उसने ये कीवर्ड दिया हुआ मास्क, ये मास्क भी दिया हुआ है, फेस मास्क भी दिया हुआ है। अगर मैं इसको फेस मास्क करता हूं, अब देखें तब भी वो ले आता है, ये सारे ले आता है, ये भी इसको भी ले आता है, ठीक है, ये लिस्टिंग आ रही है आपके वहां, ठीक है। लेकिन देखें आप एग्जैक्ट नहीं लाता, उसके साथ बहुत सी लिस्टिंग लेके आता है, बेसिकली एग्जैक्ट किस पे लाता है, मास्क के ऊपर, एग्जैक्ट जो है वो मास्क के ऊपर जो है, या इस पे जो है ये बिल्कुल यही लाता, और कोई नहीं लाता, इस पे भी ला रहा है, इसी तरह ला रहा है। तो बहरहाल ये इसको बोलते हैं इंडेक्स, थोड़ा सा एक कंसेप्ट था ये आपको देना था, चले ये कहीं नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये पीएल का हिस्सा है, लेकिन मैं चीजें साथ साथ, मेरी आदत है मैं एक्स्ट्रा चीजें बताता रहता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको हमने ये चीज पढ़ा दी हुई है, बेस्ट सेलर रैंक, ठीक है, BSR, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब हम इसको हंटिंग करते हैं, तो उसमें हम बेस्ट सेलर रैंक बताते हैं, और हमारा बेस्ट सेलर रैंक की जो नॉर्मल इसकी रेंज होती है वो 1 से लेके 6,000 या इससे कम होती, 6,000, ये यूके यूएसए में बड़ी मार्केट की बात हो रही है, ठीक है, यूई की नहीं। तो हम वो वाले प्रोडक्ट लेते हैं अगर जब हम मतलब एफबी होलसेल करने जाते हैं, और जिसपे हम रीसेलिंग करना चाहते हैं कि जिसमें BSR 1 से लेके 6,000 तक होगा, ठीक है, या इससे कम हो, 6,000 या 6,000 से कम हो, ठीक है। अब इसके अंदर कितना BSR है, एक मिनट यार, कोई मैसेज आ रहा है, क्या हो रहा है, एक मिनट दीजिएगा, मैसेज किया है जफर साहब ने, डिलीट कर दिया, क्या कहना चाह रहे हैं जफर साहब, आए हुए हैं जफर आज, जफर आया, मैं कहा जफर आए नहीं, जफर नहीं आए हुए ना, वो इसीलिए कर रहे होंगे, बता रहे होंगे आज काम है, चले आ नहीं, ठीक हो गया। तो भाई इसका जो BSR है वो कितना है, 2365, बहुत ज्यादा BSR। और आपको एक चीज ये भी बताई थी कि जितना BSR कम होगा उतना अच्छा प्रोडक्ट होगा, बेस्ट सेलर रैंक जितना कम होगा उतना कंपटीशन कम होगा, सेल वेलोसिटी ज्यादा होगी उतना अच्छा प्रोडक्ट, जितना ज्यादा होगा उतना बुरा प्रोडक्ट होगा, यानी कि उसमें सेलिंग के चांसेस आपके कम होंगे,
ठीक है, आपका स्कोप सेलिंग का कम होगा, सही हो गया। लेकिन 6000 कर लें, ये तो 2365 है, तो ये सही है, बल्कि 6000 से कम है। बहरहाल ये क्राइटेरिया डिफरेंट है, मुख्तलिफ है, ये जब मैं आपको टूल्स पढ़ाऊंगा उसमें भी ये क्राइटेरिया आएगा, अभी मैं आपको लिखवा भी दूंगा कुछ। अच्छा, दूसरे जो बीएसआर होता है ना, वो किसी निश पे होता है, निश का मतलब है किसी कैटेगरी पे, और एक से ज्यादा बीएसआर होते हैं, ठीक है, अलग अलग कैटेगरी पे। जो पहला होता है वो प्राइमरी है, जैसे आप देखेंगे 2365 है, ये कौन सी कैटेगरी या कौन सी निश पे है, ये हैंडमेड प्रोडक्ट। आपको याद होगा जब मैं ये मास्क में गया था तो मैंने जो बेस्ट सेलर में से सिलेक्ट की थी वो की थी हैंडमेड प्रोडक्ट। तो इसके अंदर जो टॉप 100 हैंडमेड प्रोडक्ट है, शुरू के 100 हैंडमेड प्रोडक्ट है ना, उसका बीएसआर बताया, नीचे वाले को नहीं कंसीडर किया। कि अगर 100 को देखे तो इसका बेस्ट सेलर रैंक, एक रैंक है ना, जैसे रैंक का मतलब होता है फर्स्ट आना, सेकंड आना, थर्ड आना, लेकिन यहाँ रैंक उल्टा चलता है, यानी कि जिसका रैंक 1 है वो फर्स्ट है, ठीक है, और जिसका 2 है वो सेकंड है। ये जैसे हमारा नॉर्मल भी यही होता है, जिसका ज्यादा बड़ा नंबर होगा उसका रैंक सबसे घटिया होगा, ये सब। और दूसरे ये किसी ना किसी निश या कैटेगरी में होता है, जैसे इसमें हैंडमेड कैटेगरी में जो बीएसआर है यानी बेस्ट सेलर रैंक, वो है 2300। दूसरे यही चीज जो है यानी ये मास जो है, ये एक और कैटेगरी में भी सेल आउट हो रहे हैं, उसका नाम है हैंडमेड रीयूजेबल फेस मास्क, ये भी एक कैटेगरी है भाई, ठीक है ना। तो इसके अंदर भी ये सेल आउट हो रहे हैं, और इसके अंदर इसका बीएसआर कितना है, 75। ये देखे इसका बीएसआर 75 है। अच्छा, इसके अलावा एक और भी है, वो क्या, हैंडमेड ब्यूटी एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट, तो इसमें भी इसने दिया हुआ है। तो ये जब आप प्रोडक्ट की लिस्टिंग लगाते हैं ना, तो आप कैटेगरी सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मैंने मास्क की लिस्टिंग लगाई, जैसे मेरा ब्रांड है, मैं लिस्टिंग पर, तो साइड पे कैटेगरीज आ रही होती है, मैं देखता हूँ कि यार पहली कैटेगरीज मैंने देखी हैंडमेड, उसको प्राइमरी कैटेगरी हो गया, प्लस इसमें को भी मैंने क्लिक कर दिया, इसको भी क्लिक कर दिया, तो लिहाजा जो इस कैटेगरी में जाएगा उसको भी ये प्रोडक्ट मिलेगी, जो इसमें जाएगा उसको, लेकिन मेन कैटेगरी ये है, तो हम इसको सिर्फ कंसिडर करते हैं, बाकियों को नहीं करते, और ये भी टॉप 100 में हमें बताता है, ठीक है। क्यों, ये चीज समझ में आ रही है आप लोगों को, क्यों भाई, थोड़ा बहुत हाना करते जाया करें। जी सर, जी सर, आज जो चीजें मैं बता रहा हूँ, अगर नहीं समझ आ रही थोड़ा बता दिया करें, मैं रिपीट कर दूंगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो मैंने ये रैंक जो है, रैंक ये 2365, ये रेटिंग है या क्या, ये नंबरिंग है क्या बेटा? ये रैंक है, यानी कि उस प्रोडक्ट का रैंक का मतलब होता है कि कंपैरेटिव टू अदर प्रोडक्ट जो है, या अदर सेलर कह लो, ठीक है। तो ये और भी लोग मास्क बेच रहे होंगे ना, इसके कंपटीटर उसको बोलेंगे कंपटीटर, ये अकेला तो नहीं मास्क बेच रहा, ये जिसकी ये लिस्टिंग लगी हुई है, ये तो एक सेलर है ना, ये देख, एक मिनट सर, इसको मैं नीचे कर दूं। अच्छा, ये एक सेलर है, ठीक है। इस सेलर का नाम क्या है, जो इसके ब्रांड का नाम है, सॉरी, ये देखें इधर आ रहा होगा क्या भाई, इसके ब्रांड का तो नाम ही नहीं आ रहा, कुछ अनब्रांडेड भी होते, अमेज़न प्राइम लिख, चलें जी, वेलकम बैक इन सेकंड सेशन। तो समबडी टेल मी के एम आई ऑडिबल, कैन यू हियर मी और नॉट, और कैन यू सी माय स्क्रीन? यस सर। चले ठीक हो गया, चले हम वहीं आते हैं जो हमारी बात हो रही थी। क्या पूछ रहे थे भाई आप, कुछ पूछ रहे थे, हाँ मैं आपको ये बता रहा था कि ये देखें ये लिस्टिंग है, तो ये बंदा जो बेच रहा है ना, तो इसकी ब्रांड का यहाँ ऊपर नाम आता है, लेकिन अभी मुझे नाम नजर नहीं आ रहा, और इसके साथ अगर किसी और ने भी मीटू किया होगा तो मुझे न्यू का ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा, तो न्यू का ऑप्शन भी मुझे नहीं नजर आ रहा है, एक ही बंदा है। असल में ये है नई लिस्टिंग, आपने देखा है 2 महीने 2.5 महीने तो हुए इसकी लिस्टिंग को, और इसके ब्रांड का नाम मुझे नजर नहीं आ रहा, अनब्रांड भी हो सकता है, बहुत से लोग ब्रांड नाम के बगैर भी मीटू कर ले। देखें आपका ओल्ड बॉय लिखा हुआ है, मैं जो एंड्रॉइड है, कहां लिखा है ये, राइट साइड पे इन स्टॉक के नीचे जहां पे प्राइस लिखी हुई है, राइट साइड पे बिल्कुल लीवर टू ग्रेट मैक पर ऊपर, हाँ ये यहां ये इन स्टॉक के नीचे ऊपर ग्रीन रंग का इन स्टॉक लिखा हुआ, सही है, वो आमतौर पे यहां भी लिखा होता है, तो वो यहां आ गया, सही सही, बिल्कुल ठीक समझे आप। तो ये ब्रांड है, इसका नाम है मैस जॉय डे, नाम है,
और इसको हम अगर ओपन कर लेते हैं तो इसका पूरा स्टोर आ जाएगा हमारे पास मैच लाइन का। ये आ रहा है, ये चाइनीज है सेलर, लेकिन ये जो चाइनीज आ रही है डिटेल सेलर है, ये चाइनीज है और ये वहीं से बेच रहा होगा, चाइना से बेच रहा है और बहुत सस्ता बेच रहा होगा। इसको बीट करना इतना इजीली होगा, आप लेंगे तो ये है, तो ये चाइनीज सेलर। हाँ, अगर ये आपको अलाउ कर देता है तो आपको होलसेल दाम दे देगा, बस ये है। तो ये वहां का नहीं, लोकल नहीं है, तो आप इससे अंदाजा भी कर लेंगे क्या है, ठीक है। और बाकी इसके साथ अभी कोई मीटू नहीं किया हुआ, नया सेलर है, तो ऐसे सेलर के साथ हम जाएंगे भी नहीं। अगर हम एफबी होलसेल कर रहे हैं तो अभी हम तो उसके साथ जाएंगे जिसकी सेलिंग अच्छी हो रही हो, जिसको लोग पहचानते हो कि ये ब्रांड है, ये प्रोडक्ट है, ये अच्छा बिक रहा है, हम तो वहां जाएंगे ना। तो नए के साथ तो हम जाएंगे भी नहीं, ठीक है। ये चीजें हम सारी पढ़ेंगे, तो ये एक आइडिया हो गया, ठीक हो गया। नीचे आ जाओ सर। सेलिंग कैसे पता चलेगी? रेटिंग से पता चलेगी कि जितनी रेटिंग हुई होगी उतनी ज्यादा। नहीं नहीं नहीं, ये बताइए ना, लिखे ना डेट फर्स्ट अवेलेबल। ये देखे, ये मैंने आपको बताया था कि इसने जब फर्स्ट टाइम, इसने जो भी चाइनीज सेलर है, जो भी ब्रांड है ना, तो इसने फर्स्ट टाइम जब लिस्टिंग लगाई थी तो 29 मई 2021 को लगाई थी। तो अभी ये 29 अगस्त को, इसको 3 महीने हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि इसको 2-2.5 महीने ही हुए, 2.5 महीने हुए ये बेच रहा है, ठीक है। तो अभी इसने कोई इतने पैसे भी नहीं कमाए होंगे, नई लिस्टिंग है तो इस पे नहीं जाएंगे। बाकी आप पूछ रहे थे कि ये BSR जो है बेस्ट सेलर रैंक एक्चुअली है क्या, तो ये बेसिकली हर सेलर को एक रैंक दे दिया जाता है, ठीक है ना, कि ये बेस्ट सेलर रैंक तुम्हारा ये है। तो वो इसका नंबर है 2365 इन, मतलब बेसिकली दो चीजों का रैंक होता है, सॉरी सेलर मैं गलत कह गया, प्रोडक्ट और कैटेगरी, यानी कि कैटेगरी वाइज और प्रोडक्ट वाइज होता है। अब ये जो ब्रांड है, जो भी एक्स वाइज चाइनीज है, तो इसकी एक प्रोडक्ट तो नहीं होगी, एक ब्रांड जो है 10 प्रोडक्ट सेल आउट करे, 20 करे, जितने मर्जी करे, मना तो नहीं है उसको। तो हर प्रोडक्ट का एक BSR होता है, और ये BSR Amazon खुद कैलकुलेट करता है, इसके अपने एल्गोरिथम होते हैं, उन एल्गोरिथम से कैलकुलेट करता है। इसकी डिटेल भी आपको किसी स्लाइड में बताऊंगा कि किस तरह कैलकुलेट होता है डिटेल में। तो उसे अंदर सेल वेलोसिटी और चीजें है, रिस्पॉन्स देखता है कि भी क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव ये चीजें होती है बहुत सी, तो वो उसके लिहाज से करता है। और फिर एक चीज बताइए कि BSR सिर्फ एक कैटेगरी में नहीं होता, अगर वही प्रोडक्ट एक से ज्यादा कैटेगरी में उसने सेलिंग के लिए लगाया, तो जो पहली कैटेगरी है वो मेन कहलाती है, यानी प्राइमरी, उसमें BSR आपको ज्यादा मिलेगा। दूसरी इसकी कैटेगरी है हैंडमेड रीयूजेबल फेस मास्क, उसमें 75 है, और एक तीसरी में भी ये बेच रहा है और उसके अंदर जो है वो है 151 हो गई, ठीक है। तो BSR जो है इतना याद रखे कि एक तो निश या कैटेगरी वाइज होता है, ठीक है, और दूसरा प्रोडक्ट का होता है, जो भी प्रोडक्ट सेल आउट हो रही है, तो इस प्रोडक्ट का हम BSR, तो हम जब प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे तो BSR को कंसिडर करेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट का होता है प्लस उसकी निश भी कंसिडर करेंगे। कि हैंडमेड प्रोडक्ट में ये जो मास्क है इसका BSR है 2365, बस ये याद रखना है, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद ये आपको दोनों रिव्यूज बताए थे, एक तो है स्टार रिव्यूज, इसका मैं बार बार लास्ट टाइम भी आपको बता चुका हूँ कि ये 5 स्टार होते हैं, और अगर 4 और 5 ज्यादा हो उसकी परसेंटेज, तो इसका मतलब है पॉजिटिव रिव्यूज ज्यादा है। जैसे देखें इसमें भी ज्यादा है, 57 5 है और 4 स्टार 22 है, 3 स्टार 13 है, तो तीनों को देखा जाए तो पॉजिटिव रिव्यूज बहुत है, नेगेटिव रिव्यूज सिर्फ 8% समझ लें, तो एक आइडिया हो जाता है। प्लस इसके साथ जो है आपने देखा था कि इधर आ रहे थे दूसरे रिव्यूज जो है, ये रेटिंग जो, इसको रेटिंग बोलते हैं, लेकिन 19 आ रही है ना, बहुत कम रेटिंग है, ये भी हजारों में होती है, मैं आपको भी दिखाऊंगा प्रोडक्ट जो 1.5 साल से बेच रहे हैं उनकी हजारों में चले जाती है। ये रेटिंग रिव्यूज से होती है, जो लोग रिव्यूज देते हैं ना नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये रेटिंग उससे कैलकुलेटेड है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं होता। मतलब एग्जैक्ट का कहने का मतलब है कि अगर इसकी 19 रेटिंग है तो इसका ये मतलब नहीं कि इसने 9 लोगों के सवाल जवाब दिए तो 19 आ गई, इसमें भी इसका अपना एल्गोरिथम होता है। देखिए मैं आपको वो दिखा भी देता हूँ, ये देखें ये लिखा हुआ है ऊपर, देखा टॉप रिव्यूज फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स, यानी रिव्यूज का मतलब है कि जब लोग खरीदते हैं
तो उसके बारे में जो लिखते हैं उसको हम बोलते हैं रिव्यू। तो यूनाइटेड स्टेट में टॉप रिव्यूज क्या है, ये एक एमी हेल्वरसन कोई भी है, लेडी है या जेंट्स है जो भी है, बेस्ट वुमेन्स मार्स है, लेडी है ना, ये लेडीज के ही है, ठीक है। रिव्यूड इन द यूनाइटेड, इसने 14 मई 2021 को रिव्यू दिया है और इसने कलर लिया है प्योर कलर ब्रॉन्जी मार्स लिया है और ये उसके बारे में लिख रही है जी कि बहुत मैं सरप्राइज हूँ कि ये बड़े फेवरेट कलर हैं, ब्लैक वाइट पिंक ग्रीन ऑरेंज ब्लैक और गोल्ड सिक्स पैक फेस मास्क है, ठीक है। और ये सिर्फ जो है क्लॉथ फेस मास्क नहीं है और ये लगता है कि स्पेशली प्रोसेस्ड है और ये है आउटर लेयर है क्लॉथ रिफ, मतलब ये मे भी ये किसी ने VVRO किया हो, किसी को मास्क भेज दी हो इस लेडी को फ्री में, इसने इसकी सारा फेवर में लिख दिया। तो ये पॉजिटिव है, ये क्या है पॉजिटिव है। तो नीचे लिखा हुआ 3 people फाउंड दिस हेल्पफुल, 3 लोगों ने इसको पढ़ा होगा हेल्पफुल बाय। अच्छा अगर आपने सारे देखने हैं तो ये सी ऑल रिव्यूज कर दें, तो आप जाएंगे नीचे तो आप देखें ये जो है ना नीचे आपको और रिव्यूज भी आ जाएंगे। ये तो एक रिव्यू हो गया ना, ये देखें ये एक रिव्यूज हो गया। अब ये बाकी दिखा नहीं रहा, सी डिटेल ऑफ वॉशेबल क्लॉथ मार्क एक ही आ रहा है, बहरहाल उसने नीचे दिखाया था और मुझे नजर नहीं आ रहा, लेकिन इसका देखे 19 दिया हुआ है रेटिंग जो है ना रिव्यूज रेटिंग उसने 19 दी हुई है। अब देखना पड़ेगा नीचे है कहाँ ये रिव्यूज और है नहीं, बस यही दिखा रहा है अभी एक ही दिखा रहा है। नीट कस्टमर सर्विसेज है और जनाब टॉप रिव्यूज ऑल रिव्यूज फिल्टर बाय ऑल रिव्यूज, ये भी इससे कुछ ऑप्शन दिए हुए, इसको आप मोस्ट रिसेंट बहरहाल ठीक है ना। तो ये अभी तो हमें एक ही नजर आ रहा है, बाकी ये आप थोड़ा इस पे तजर्बा कर लीजिएगा रिव्यूज अगर देखने हो तो। इसमें कभी कभार आपको रिव्यूज पढ़ने भी पड़ते हैं, इसमें तो एक आधा ही नजर आ रहा है, वैसे 19 है इसकी रेटिंग, तो अगर ज्यादा हो थोड़े बहुत तो आप देख लेते हैं कि यार इसके नेगेटिव ज्यादा है या पॉजिटिव ज्यादा है। फिर मैं आपको एक तरीका भी बताऊंगा कि आप नेगेटिव रिव्यूज को पॉजिटिव कैसे बनाते हैं, वो अमेजोन की डैशबोर्ड पे एक मेथड दिया हुआ है, तो उसमें आप नेगेटिव रिव्यूज वो बहुत कम लोगों को पता है कि कैसे होता है वो भी आप कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो इसके अलावा मैंने आपको फिर ये तो हो गई लिस्टिंग कंप्लीट, इसमें कोई चीज ऐसी रह नहीं गई जो मैंने आपको कवर ना करवाई हो, ठीक है। और दूसरे नंबर पे मैंने इसमें आपको जो है बाय बॉक्स का बताया था, लेकिन बाय बॉक्स मैंने आपको बताया था कि हमने बड़ी डिटेल में पढ़ना है बाय बॉक्स, ठीक है। अच्छा वो आ रहा है, ये आ रहा है लिस्टिंग आ रही है, ठीक है ये लिस्टिंग आ रहा है। फिर हमने आपको ये बताया था कि जिसको बाय बॉक्स मिलता है, अब इसके अंदर तो अकेला ही बंदा है तो इसमें तो कोई ऐसा वो है भी नहीं, कंपटीशन अकेला बेच रहा है और अगर आप इसका अपना नहीं माल बिक रहा होगा 2-2.5 महीने में इसने क्या बेचा है, ठीक है। वो भी हम चेक कर लेंगे इसका स्टॉक हर चीज, वो हम जब टूल्स यूज करेंगे तो हमें पता चल जाएगा ये कितना बेच के बैठा है, इसके पास सामान कितना पड़ा है, स्टॉक हर चीज हम इसकी खंगाल लेंगे, आइडिया हो जाएगा। लेकिन हमें पहले ही पता चला यार ये 2-2.5 महीने से बेच रहा है तो इसने क्या बेचा, तो हम इस पे टाइम ही नहीं जाया करेंगे, ठीक है। तो बाकी सोल्ड बाय ये हो गया, फुलफिल्ड बाय FBA किया हुआ है, फ्री डिलीवरी दे रहा है संडे 29 अगस्त, ठीक है, ऑन ऑर्डर ओवर इतने, तो ये पता नहीं 29 अगस्त को इस पे कह रहा है शिपमेंट बाय अमेजोन, इसकी डिटेल पढ़े, फास्ट डिलीवरी है थर्सडे 26 अगस्त, ये ऑर्डर विद इन 10 hours 32 minutes, ये प्राइम जो होता है वो आ गया, डिलीवर टू ग्रेट नेक ये वो सारा चीज है, तो ये हो गया, सही है। अब इसमें कोई क्वेश्चन है तो है, मैं आपको इसमें एक चीज दिखा देता हूँ थोड़ा सा, और वो डॉक्यूमेंट जो है मैं आपको सेंड भी कर दूंगा, एक मिनट ढूंढना पड़ेगा यार मुझे स्क्रीन में,
चले मुझे फिर दोबारा निकालना पड़ेगा, मैंने आपके लिए निकाली थी कुछ चीजें, इमेज ऑप्टिमाइजेशन। हाँ ये होगा, जी यही है, ठीक है। ये देखें, ये लिस्टिंग के मुताबिक है, ये मैं आपको सेंड कर दूंगा, स्नैपशॉट लेके भेज दूंगा, और आप इसको थोड़ा डिस्कस हम कर लेते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि हमें आगे भी बढ़ना है काफी, तो इसी पे तो नहीं रहना। अमेजोन लिस्टिंग गाइडलाइन है, ये जो टाइटल होता है ना ऊपर, ये तो आपको पता चल गया होगा भाई टाइटल क्या है, आप ये मुझे मत बोलिएगा कि सर टाइटल क्या है, ठीक है ना। चलो लोड करने में टाइम ले रहा है, मैं कह रहा हूँ इसको ओपन करके साथ साथ आपको मैं बताता जाऊँ ना। मेरा कल हमने इस पे खोला हुआ था, फायरफॉक्स पे ये खोला हुआ था, ठीक हो गया। चलो चलिए, ठीक हो गया। तो ये जो है ये टाइटल होता है, आपको बताया था मैंने, ये टाइटल है, इसकी बात हो रही है, ये टाइटल है, सही है। तो ये मैक्सिमम कितना दे सकते हैं, 200 करेक्टर्स, 120 से लेके 150 करेक्टर आर रिकमेंडेड, यानी कि वो कह रहा है कि पूरे 200 ना दें, कोशिश करें 120 से लेके 150 तक दे दें, देखिए बहुत कम दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह स्पेस भी काउंट होगा, इस तरह टोटल करेक्टर जो है वो कहता है कितने देते हैं, 200, ठीक है जी। और ये कह रहा है कि कैपिटलाइजेशन इसकी जो है वो क्या है कि कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड, वो कहता है हर लफ्ज के, ये देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये वॉशेबल है तो डब्ल्यू कैपिटल है, क्लॉथ है सी कैपिटल है, एफ कैपिटल है, मास्क का एम कैपिटल है, फोर छोड़ दिया है, वुमेन कैपिटल है, तो ये कैपिटलाइज फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड, डू नॉट यूज ऑल कैप्स, सारे कैपिटल ना यूज करो, ठीक है। और कंजंक्शंस मतलब एंड और फॉर, ए दी ए एंड शुड नॉट बी, मतलब इससे अवॉइड करो, मतलब एंड और फॉर ये नहीं लगाओ, दी ए एंड इससे भी अवॉइड करो। अच्छा, कैपिटलाइज्ड यूज न्यूमरल्स, न्यूमरल्स का मतलब है 0 1 2 3 9 तक, ठीक है। टू इंस्टेड ऑफ टू, मतलब बजाय इसके कि आप टी डब्ल्यू और लिखो, आप नंबर ही लिख लो। अगर आपने यहाँ कहीं पे जैसे ये 6 लिखा है तो एस आई एक्स नहीं लिखना आपने, ये 6 देना है, ठीक हो गया। डोंट यूज सिंबल सच एज, ये इस तरह के मुख्तलिफ सिंबल यूज नहीं करो, कॉपी राइट एक्सेट्रा प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, ये डोंट यूज हॉट प्रोडक्ट्स बेस्ट सेलर एनी प्रमोशनल लाइन इन टाइटल, टाइटल लिस्टिंग में कोई प्रमोशन लाइन नहीं लिखो, कोई बेस्ट सेलर का लफ्ज नहीं लिखो, कोई हॉट का नहीं यूज करो, तो ये वाली प्रोडक्ट नहीं यूज करो, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन सी चीज आ जाती है, इसके बुलेट्स या फीचर्स जो बताए थे, बुलेट पॉइंट फीचर्स, ये इसकी बात कर रहा हूँ, ये जो लिखे इसके भी रूल है कुछ, ये देखो लिखे ना बुलेट पॉइंट्स, Amazon allows to use 500 words in each bullet point. यानी एक bullet point, ये एक bullet point है, तो इसके अंदर जो है ये देखें यहाँ से लेके यहाँ, सॉरी ये ज्यादा सिलेक्ट हो रहा, ये मुझे यहाँ तक लाना था, ये एक bullet point है, एक bullet point के अंदर आप 500 words लिख सकते हैं, ठीक है, in each bullet point, ठीक है। फर्स्ट bullet point क्वालिटी, अब उसमें भी उसने लॉजिक बताई है कि जो पहला बुलेट पॉइंट होगा उसमें क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट होगी पहले बुलेट पॉइंट में, दूसरे में उसका यूजेज होगा कि इस्तेमाल में कैसा है, तीसरे चौथे में आप बेनिफिट्स बताएंगे, ठीक है, और पांचवें के अंदर वारंटी या कोई स्पेशल केयर करनी है वो बताएंगे, ये भी नहीं कि आप तुक्के से बताएं, पता है जो प्राइवेट लेबल करेंगे ना, आपको तो कुछ नहीं करना, आपको तो बना बनाया मिलेगा, आप अभी होलसेल कर रहे हैं, ब्रांड की जो लिस्टिंग है उसमें सब कुछ बना होगा, लेकिन एज ए वी ए एज ए वर्चुअल असिस्टेंट आपको ये सारी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आप किसी की जब लिस्टिंग देखेंगे कि यार ये प्रोडक्ट बड़ा अच्छा है और मैं इस पे एफबी होलसेल करूं, तो आप ये चीजें अगर जेन में होंगी तो आप देखेंगे यार
इसके अंदर इसने बुलेट पॉइंट अच्छे नहीं दिए। अच्छा अब इसका मैं आपको बड़ा मजेदार फायदा बताऊं, ये मैं बड़ी काम की बातें बता रहा हूँ, आप समझ लेंगे कि भाई छोटी मोटी बातें हैं, ये छोटी मोटी नहीं है, एफबी होलसेल में बहुत जबरदस्त बात होता ये है कि अगर आप किसी ब्रांड से ट्रेड अकाउंट लेने जाते हैं ना, कि वो आपको अकाउंट दे दे और फिर आपको वो प्रोडक्ट बेचने के लिए दे दे और आप उसकी रीसेलिंग करें एफबी पे होलसेल पे बनाए करें काम, तो वो अगर नहीं मानता तो आप उसकी लिस्टिंग के अंदर खामियां निकालें, ठीक है ना। आप बोले कि जनाब आपकी उसको ईमेल करें कि भाईजान ये आपकी ये जो प्रोडक्ट है फलानी, इसके अंदर लिस्टिंग के अंदर ये ड्रॉबैक्स हैं, ये मिस्टेक्स हैं, और वो कैसे पता चलेंगे, अगर ये सारी स्टडी आपने की होगी, ठीक है ना। आप अगर मिसाल इसके बुलेट पॉइंट पकड़ लेते हैं, एक मिसाल है, मैंने तो उसको अभी नहीं पढ़ा, लेकिन आप थॉरली जब इस पर टाइम लगाएंगे तो आप देखेंगे यार ये जो गाइडलाइन दी है इसको फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा। पहला बुलेट पॉइंट वाकई क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट का है, नहीं है, बस उसको फॉरन ईमेल में लिखे, बोले जनाब ये हमारे पास गाइडलाइन है अमेजोन की, आप इसको फॉलो ही नहीं कर रहे तो ये तो सेलिंग नहीं होगी, ये तो इस तरह इसमें बहुत खामियां है और मैं आपको फिक्स करके दूंगा, मैं आपकी मिस्टेक, आप मुझे इसका एसेस दें और मैं आपको ये सही भी करके दूंगा और हम प्रोडक्ट भी, वो आप कहेगा यार ये तो मेरा काम भी करने को तैयार है, वो आपको फॉरन ट्रेड अकाउंट दे देगा। ये एक बड़ा अच्छा तरीका होता है कि आप उसकी खामियां निकालें, उसको बताएं हम आपके साथ ये इम्प्रूवमेंट करेंगे, वो ट्रेड अकाउंट दे देता है, बहुत से लोग नहीं भी करते बाद में, उसने एक दफा आपको बेचने के लिए अलाउ कर दिया और उसके बाद आप लगा के बैठ गए, अगर टाइम हुआ कभी उसने दोबारा बोला तो कर दे, उसको भी पता नहीं, याद रहता नहीं, लेकिन ये एक तरीका होता है, ठीक है। अच्छा उसके बाद डिस्क्रिप्शन आपको मैंने बताया था नीचे, डिस्क्रिप्शन जिसमें मेजरमेंट वगैरह आई होती है ना, ये डिस्क्रिप्शन समझ लें, ये प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन जिसे कहें, तो उसका क्या है कि अमेजोन अलाउ अस 2000 वर्ड इन विच वी एक्सप्लेन आवर प्रोडक्ट इन डिटेल, यू शुड यूज HTML डिस्क्रिप्शन। अब HTML डिस्क्रिप्शन बेसिकली अब खत्म कर दी है अमेजोन ने, मेरा ख्याल 1.5 साल हो गया, तो पहले हम ये जो बुलेट पॉइंट होते हैं ना, ये देखिए मैं आपको इसमें ये भी बताऊं, ये जो बुलेट पॉइंट होते थे तो ये बुलेट पॉइंट हम HTML में लिखते थे, ये मैंने लास्ट जो पहला बैच पढ़ाया था उसमें ये बनाना भी बताया था कि ये बुलेट पॉइंट हम HTML का वो होता है ऑप्शन दिया होता है उसके अंदर बाकायदा उसके सेलर सेंटर में, तो उसमें जाके हम ये बुलेट पॉइंट में बना के लिखते हैं, ये खुद बुलेट पॉइंट नहीं आता, ठीक है। अब हम किसी और में के लिख सकते हैं, उसमें नहीं लिख सकते, ठीक है, उसको कॉपी कर देते हैं, ये बहरा। तो जो डिस्क्रिप्शन है आपकी, डिस्क्रिप्शन का मतलब नीचे जो आ रही थी ये वाली, ये स्पेसिफिकेशन बेसिकली ये डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, उसके अंदर कितने 2000 लफ्ज आप लिख सकते हैं, ठीक है, और उसमें भी वो कहता है कि HTML डिस्क्रिप्शन आप यूज कर सकते हैं, तो अभी मेरा ख्याल है इसने खत्म कर दी हुई, अभी नहीं है, अभी आप बगैर उसके पर टाइप कर दे, इसमें बुलेट पॉइंट देने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट टाइप होता है, बुलेट पॉइंट सिर्फ वहीं पे देते हैं, ठीक है। अच्छा फिर बैकएंड सर्च टर्म जो है ये वो कीवर्ड के हवाले, Amazon allows us 200 words if you forget to use any keyword you should use this keyword, आगे क्या लिखा है भाई, हाँ ऑन बैकएंड सर्च टर्म। अब मैंने आपको बताया था कि ये जब हम लिस्टिंग बनाते हैं ना प्राइवेट लेबल में नई लिस्टिंग बनाते हैं तो उसमें कीवर्ड को बकायदा जो विनिंग या मेन कीवर्ड सर्च करते हैं उसमें कुछ बैक एंड कीवर्ड होते हैं, कुछ फ्रंट एंड कीवर्ड होते हैं, 2-3 टाइप्स के कीवर्ड होते हैं, तो बेसिकली उसके हवाले से जो बैक एंड सर्च टर्म होती है ना तो वो जो रह जाते हैं वो बैक एंड पे हम लगाते हैं, तो ये उसके हवाले से बात की है कि अमेजोन अलाउज 200 वर्ड इफ यू फॉरगेट टू यूज एनी कीवर्ड यू शुड यूज दिस कीवर्ड ऑन बैक एंड। अगर आपको कोई कीवर्ड डिस्क्रिप्शन में या बुलेट पॉइंट में या टाइटल में भूल गया लगाना, लेकिन वो आपको पता है कि वो कीवर्ड मुझे कहीं फिट करना है, तो फिर उसको आप जो है डिस्क्रिप्शन में लगा दे, बस वो ये कह रहा है, ठीक है। तो ये कीवर्ड के हवाले से वो कहता है, वो बैकएंड कीवर्ड कहलाते हैं। अच्छा ये होगी एक कहानी। अब आ जाए आपको इमेजेस का भी बता देता हूँ। मैंने आपको याद है मैंने आपको बोला था यार मैं आपको किस दिन इसका ना सारा बता दूंगा कि इमेजेस के क्या रूल है, और ये बड़े काम की चीज है, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि ये एज ए वीए यू शुड नो दीज थिंग्स, कि ये हर बंदे को नहीं पता होता, जिसको काम आता है उसी को ये चीजें याद होगी, एक दो दफा जेन में बैठा लो वो पॉइंट्स तो आप किसी से डिस्कस भी करोगे, और ये जो बड़े बड़े ग्रुप्स हैं एनेबलर है एक्सट्रीम कॉमर्स है वहां पे कोई सवाल डालते हैं तो आपको ये चीजें आती होंगी, तो जब आप उसको जवाब दोगे ना तो वहाँ इन्वेस्टर बैठे होते हैं और जिनको जरूरत होती है तो वो आपको ऑटोमेटिकली फिर अप्रोच करते हैं कि यार ये आपने लिखा है तो मेरा आप काम करेंगे, आप कब से कर रहे हैं, तो फिर उसको थोड़ी लंबी छोड़नी पड़ती है कि हाँ जी मैं ये वर्चुअल असिस्टेंट हूँ मैं करता हूँ, तो अगर आप कॉन्फिडेंट है
आप बोले हाँ मैं आपका काम कर दूंगा, तो वो इस चीज से अंदाजा लगाते हैं कि कौन कितना पार्टिसिपेट कर रहा है उस डिस्कशन में। तो जब आप थोड़ा बहुत सीख जाएंगे तो आप जितने ग्रुप्स हैं ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें, छोटे बड़े, उन सब में लोगों के क्वेश्चंस के आंसर दें, कुछ गूगल भी करें, अगर यहाँ से नहीं समझ आ रही गूगल करें, आपको आंसर मिलेंगे। और ऐसा आंसर दें कि वो बोले ये कोई प्रोफेशनल बंदा है, ऑटोमेटिकली आपको क्लाइंट पकड़ेगा, खुद आपको क्लाइंट आके बोलेगा मेरे काम करें। ठीक है, अब ये जो है ये वाले, ये टोटल हम 7 दे सकते हैं, मैंने 8 बताया था लेकिन 7 है। देखो Amazon allows 7 images, so how these images should be, ठीक है। जैसे पहला इमेज है तो फर्स्ट इमेज जो है वो क्या कह रहा है, वही मैंने आपको बताया था कि उसका बैकग्राउंड जो है वो क्या होना चाहिए, व्हाइट। तो कहता है फर्स्ट इमेज शुड बी विद व्हाइट बैकग्राउंड, ए प्रोडक्ट शुड कवर 80% ऑफ इमेज पे। तो ये मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो पहली तस्वीर है ये वाली, ठीक है ना, तो ये वाली तस्वीर जो है ये बैकग्राउंड इसका व्हाइट है, जैसे इसका व्हाइट है, और ये तस्वीर 80% कवर होनी चाहिए, तो है भी 80%, तो ये पहला। अच्छा, उसके बाद अगले दो, यानी कि ये और ये वाले दो जो है, उस कहता है शुड बी इंफोग्राफिक इमेजेस। ये इंफोग्राफिक है जिसके अंदर मकसद है बैकग्राउंड व्हाइट भी होता, वो इंफोग्राफिक, और प्लस इंफोग्राफिक उसको कहते हैं जो कोई इंफॉर्मेशन दे रहे हैं आपके इमेज के मुतालिक, कोई इंफॉर्मेशन दे रहे तो वो इंफोग्राफिक्स है, ठीक हो गया। उसके बाद कहता है कि लास्ट 4 इमेजेस शुड बी लाइफ स्टाइल एंड डिमेंशन बेसिंग, यानी बाकी जो 4 है, 7 होते हैं ना, 3 ये हो गए, बाकी 4 जो है वो उसका लाइफ स्टाइल। बेसिकली ये भी एक तरीका होता है सेलिंग का, कि आप जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं ना, जो जब आप एज ए प्राइवेट लेबल फर्स्ट टाइम प्रोडक्ट लगाते हो तो उसकी फोटोग्राफी करनी पड़ती है, आपको तो नहीं करनी पड़ेगी, एफबीए उनसाल वाले को तो बने बनाए उस ब्रांड के मिल जाएंगे, लेकिन एज ए वीए वर्चुअल असिस्टेंट आपको सारा पता होगा। तो आप इंसान का जो इमोशन है, जज्बात है, उसको उस प्रोडक्ट से अटैच कर दो। जैसे आपने एक वीडियो डाल दी कि माँ है, बच्चा है, ठीक है ना, और वो माँ जो बच्चे को भी ये मास्क पहना रही है ताकि वो जो है बचा रहे, और इस तरह करके कुछ चीजें, और दूसरे लाइफस्टाइल बोला है कि जिंदगी के साथ उसको आपने अटैच कर दो जो जिंदगी है, स्टाइल है, और डायमेंशन बेस हो उसकी मुफ्ती स्टाइल से, दाएं बाएं हर डायमेंशन का मतलब लेफ्ट राइट लेंथ ब्रेथ चारों तरफ से। तो ये है, तो मेरा ख्याल एक आइडिया हो गया होगा, क्यों जी ये मुझे जरा बताइए, कुछ समझ भी आ रहा है नहीं आ रहा? हेलो, अनम्यूट कीजिए भाईजान, अनम्यूट करके बताइए, कुछ समझ आ रही बातें नहीं आ रही? जी सर, बट एक दफा आपके लेक्चर दोबारा से रिपीट सुनती हूँ, फिर ज्यादा समझ आ जाता है। बात है ना, वो तो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ ना रिकॉर्डिंग, अच्छी बात है, बल्कि दोबारा आप सुना करें, जब भी टाइम मिले उसको बार बार सुने और नोट्स बनाए उसके, क्योंकि अभी आप मकसद एक तो पैसे दिए हुए आपने, कम ज्यादा की बात नहीं, पे किए फीस, तो आपको ज्यादा ज्यादा आउटपुट लेना चाहिए, आपका हक बनता है। दूसरे, यू कम हेयर टू लर्न समथिंग, तो आप, ये कोई कायदे आजम का मजमून तो नहीं है कि इसको रट्टा लगाना है, ये एक स्किल है, एक काम है, इस काम को सीखना है, तो इस काम को वो ऐसे सीख सकते हैं कि जितनी ज्यादा इस पे ग्रिप करेंगे उतना ये ज्यादा आपको इंटरेस्ट भी आएगा, आप ज्यादा सीखेंगे तो आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, सीखते जाएंगे इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। और इसी तरह एक दिन आप एज ए वीए भी काम कर रहे होंगे, और अगर आपके पास पैसा है तो आप माशाल्लाह अपना काम भी कर लेंगे। मैंने अभी ग्रुप के अंदर एक इंटरव्यू भेजा था कल रात को, आपने देखा होगा, वो लड़का है कराची का, और वो जनाब लंदन में है कहीं पे है, तो वहाँ पे वो स्टडी भी कर रहा है, और शाम को किसी जगह होटल में कहीं भी जॉब भी करता है, और अमेजोन पे अच्छी खासी कमाई कर रहा है। और वो कहता है जी कराची के अंदर ऐसे भी बच्चे हैं कि जिन्होंने 4-4, 3-3 करोड़ रुपए कमा के फ्लिप कर दिया। फ्लिप का मतलब है कि एक ब्रांड बना के आप उसको किसी को बेच देते हैं, और उसमें एक फार्मूला होता है कि 2-2.5 साल के कैलकुलेट करके उसे पैसे लेके फिर आप नया ब्रांड बनाना, उसको बोलते हैं फ्लिप करना। तो इसमें है, इसमें कोई शक नहीं, काम जब आपके पास आ जाता है, आप जब जैसे खुद शुरू करते हैं ना, ऑटोमेटिकली अल्लाह मियां रास्ते खोलता है और आपको काम आता जाता है, आता जाता है, ऐसा कोई इतना मसला नहीं है, ठीक है। हम क्योंकि वो कहते हैं ना, जब आपने कोई काम करना हो तो आप पहला स्टेप लेना जरूरी है, आप सीढ़ी पे पहले स्टेप पे पाँव नहीं रखेंगे तो ऊपर लास्ट स्टेप तक पहुंचेंगे नहीं, वो ऑटोमेटिक आगे इतना मुश्किल नहीं है। वो इंटरव्यू सुने, वो बच्चे ने भी यही बोला है, बोला कि शुरू में लग रहा था मुश्किल, लेकिन जब करने बैठोगे सब कुछ आ जाता है, ठीक है ना, हाथ पांव मारोगे, ग्रुप्स में लिखोगे, आदमी निकल जाता है, बस एक दो दफा किया उसके बाद आपका अल्लाह मियां हाथ पकड़ लेता है, पैसा होना चाहिए, सब कुछ हो जाता है। और इसी तरह वीए के लिए भी हम आपको बताएंगे इंशाल्लाह, एक्स्ट्रा क्लासेस लेंगे फाइवर में, किस तरह आपने
ग्राहक को मतलब इनको पकड़ना है, ग्रैब करना है क्लाइंट को, ये चीजें, तो उसमें भी आप जब काम सीख जाओगे, गिग्स बनाओ, ग्रुप्स में लिखो, फेसबुक ग्रुप्स बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल। तो अभी आज मेरे कुछ फॉरनर से बात हो रही थी, तो मैंने तो उनको कहा था भी गेस्ट स्पीकर आप दो, यहाँ पे एक लेडी है वो, तो उसको मैंने कहा था वो ये फेसबुक स्ट्रेटेजीज पे और ग्राफिक डिजाइनर और जो है ईमेल, मैंने कहा भी हमारे बच्चों को एक लेक्चर दे दो, मैं ले आता हूँ पकड़ के कोई ना कोई ना, लेकिन वो पता नहीं फिर बाद में गए, वो भी क्या चक्कर था क्या नहीं हो गया, तो चले बहरहाल किसी और तरफ चले गए। अच्छा उसके बाद ये हो गया जी, मेन इमेज रेजोल्यूशन शुड बी बिटवीन 1000, ये जो मेन इमेज है ना बड़ा वाला जो ये वाला, इसकी रेजोल्यूशन कितनी होनी चाहिए, 1000 × 1000 pixels। तो रेजोल्यूशन तो आपको मैंने बताई थी एक दिन कि ये जो तस्वीरें हैं ये छोटे छोटे डॉट से बनती हैं, उनको हम बोलते हैं पिक्सल। तो इस तरह ये वर्टिकल और इस तरह ये हॉरिजॉन्टल, ये ठीक है, इस तरह जितने पिक्सल है, जैसे ये स्क्रीन है तो स्क्रीन के भी यहाँ पे पिक्सल होते हैं, ठीक है ना, ये 1000 कुछ नीचे होते हैं और इधर भी पता नहीं कितने होते हैं, तो इनको हम मल्टीप्लाई करें तो इसकी रेजोल्यूशन आ जाएगी, और वो रेजोल्यूशन हम चेंज भी कर सकते हो। तो ये मेन पिक्सल जो है 1000 × 1000 pixels, और मैक्सिमम इससे आप और बढ़ा लें तो फिर वो 10000 × 10000, यानी कि और बेहतर हो जाएगा, जितने ज्यादा पिक्सल होंगे यानी कंडेंस होंगे पिक्सल उतनी अच्छी पिक्चर होगी, जितने फटे पटे मतलब पिक्सल कम होंगे उतनी स्क्रीन फटी होगी, तस्वीर उतनी बुरी आएगी। तो उसको भी उन्होंने मतलब गाइडलाइन में डाल दिया कि आप मिनिमम मतलब 1000 से कम नहीं रखे, मतलब 1000 × 1000, 1000 × 1000, इसको आप मल्टीप्लाई कर ले, ठीक है, तो आपको वो टोटल आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, वन शुड सेव ऑल योर 7 इमेजेस विद यू टॉप मेन कीवर्ड्स, कीवर्ड्स के साथ वो उसको कहते हैं ना, वन शुड सेव ऑल योर 7 इमेजेस विद यू टॉप मेन कीवर्ड्स, सो Amazon एल्गोरिथम विल प्रेफर योर लिस्टिंग, ठीक है। तो वो कीवर्ड्स के साथ आप करें उसका जो भी इमेज है उसका नाम कोई ना कोई आप बताएं क्या है, तो वो उसके लिहाज से करेंगे, ठीक है। बहरहाल ये पीएल की चीजें जो मेन चीजें हैं वो मैंने आपको बता दी है, ये मैं आपको भेज दूंगा, 5 मिनट बाद ये मीटिंग खत्म हो जाएगी, ठीक हो गया। अच्छा इसमें अब वैसे 2-4-5 मिनट रह गए, मैंने आपको जो टॉपिक पढ़ाना है ना इसके बाद वो ये है, फोर्थ लेक्चर है, इत्तेफाक से है भी फोर्थ लेक्चर है, तो मुझे एक्चुअली ये पढ़ाना था, लेकिन उसके लिए जो लिस्टिंग वाला सारा था वो बताना भी जरूरी था, तो ये आज का लेक्चर था बेसिकली ये, लेकिन बीच में ये छुट्टियां वुट्टियां आई तो थोड़ा सा हमारा रिदम टूट गया। ये था सेटिंग अप योर लीगल बिजनेस, ठीक है। तो इसके अंदर जो है हमने ये ईबे और एसटी की बात नहीं मैं कर रहा, मैं तो अमेजोन के हवाले से करूंगा, वो वैसे मैंने लिखा हुआ, ठीक है ना। तो ये हमने डेफिनेशंस पढ़नी थी कुछ, तो चले अगर आपके पास क्वेश्चन नहीं है तो मैं इसको पढ़ा देता हूँ, कोई क्वेश्चन है आपके पास? जी नो सर, बस आप गाइडलाइन वाला डॉक्यूमेंट भेज दीजिएगा, वो सारे मिल जाएंगे, उसकी भरी नहीं करे यार, वो भी मिल जाएंगे, और वो मैं कोड भी भेज दूंगा लंदन, जो मैं बोल देता हूँ ना वो इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा, वो डोंट वरी, वो सब आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। चले इसको देख लेते हैं, एक स्लाइड का टाइम है तो इसको देख लेते हैं। अच्छा ये कुछ डेफिनेशन है और ये सारी यूएसए के हवाले से, पहली चीज ध्यान में रखिएगा कि टोटल जो मैं पढ़ाऊंगा यूएसए मार्केट के हवाले से पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। जैसे इसमें यूपीसी हम आपको बता चुके हैं, ये कहलाता है बेसिकली यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड कहलाता है, यूपीसी, वो जो आपको मैंने लाइनें लानी नहीं दिखाई दी, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड कहलाता है, और मैंने 13 बताए थे, ये 12 डिजिट होते हैं। यूपीसी इज ए 12 डिजिट स्कैनेबल बार कोड दैट इज यूज टू ट्रैक रिटेल आइटम, तो रिटेल आइटम पे होता है ना, आप जाते हैं मॉल में चीजें लेने तो रिटेल आइटम पे लगा होता है, यहाँ भी जब वो चीज आप सेलिंग करते हैं तो उस पर बार कोड ही होता है, ठीक है। फिर वो है मैंने बताया था कि आप बार कोड एंटर करते हैं जब लिस्टिंग बनाते हैं एज ए सेलर, तो वो उसको एक SN असाइन करता है। अच्छा, इट इज लोकेटेड बिलो द बार कोड ऑन द पैकेज ऑफ एन आइटम, यानी वो लाइनें बनी होती ना उसके नीचे एक नंबर लिखा होता है, तो वो नीचे लिखा उसको बार कोड बोलते हैं, ठीक है। द बार कोड इज द स्कैनेबल नंबर ऑफ द यूपीसी, तो ये स्कैनेबल नंबर, तो मैंने तस्वीर दिखा दी है कि वो एक लाइनें होती है और नीचे एक नंबर होता है, उसका जिक्र हो रहा है। अच्छा, फिर आ गया SN, SN का मैंने आपको बताया था Amazon स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर, तो ये 10 डिजिट का होता है, ये भी आप ज़हन में रखना है आपने, तो यूपीसी 12 डिजिट होता है और ये 10 डिजिट, ठीक है।
इसको भी मुझे याद नहीं था, मैंने शायद इसको तेरा बोल दिया था। दिस इज द यूनिक 10-डिजिट कोड, यूनिक होता है। यूनिक याद रखना कि हर प्रोडक्ट का अलग होगा, किसी का सेम नहीं होगा, ठीक है। और 10-डिजिट कोड होता है असाइन टू ईच प्रोडक्ट दैट इज सोल्ड ऑन अमेज़न। जो भी बिकेगी ना चीज, उसका लाजमी कोई ना कोई एसिन होगा, ठीक है। अच्छा, फिर ये होता है EAN, ये कहलाता है यूरोपियन आर्टिकल नंबर। तो ये मैंने आपको तीन चीजें थी, एक GTIN होता है, एक ISBN होता है और एक EAN होता है, यूरोपियन आर्टिकल। तो इनमें से तीनों में से एक, दो, तीन, चार, ये चारों में से हम जब किसी जगह इसका एसएन देते हैं ना, तो वहां पे इन चारों में, तीनों में से कोई भी दे सकते हैं जो भी हमारे पास। तो हम ज्यादातर एसएन यूज करेंगे, हम EAN नंबर नहीं यूज करेंगे, लेकिन एसएन के मुतबादिल जो है ना, आप समझ ले एक और नंबर है EAN, उसको बोलते हैं यूरोपियन आर्टिकल नंबर। ये 13-डिजिट का होता है। आप इसको ये कर सकते हैं, तो गूगल करें, ठीक है ना, आप लिखे जैसे मैंने लिखा था ना आपके सामने UPC, तो आप इसी तरह EAN नंबर लिखे तो मजीद उसकी पिक्चर्स भी देखें, इमेजेस और उसका टेक्स्ट है। बहरहाल ये 13-डिजिट का होता है और ये भी रिटेल प्रोडक्ट को दिया जाता है ऑन दी आउटर पैकेजिंग बिलो दी बार कोड। तो कई जगह पे बार कोड के नीचे EAN नंबर भी दिया जाता है, ठीक है। मतलब ये ऑप्शनल होता है, कंपल्सरी नहीं होता, जहां जरूरत होती है वो दे देते हैं। जैसे ये ISBN है ना जो लास्ट में, ये सिर्फ किताबों के लिए यूज होता है। ये तो अक्सर आपने देखा भी होगा, लाइब्रेरी में भी जाए तो ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर है। अगर आप अमेज़न पे बुक्स वगैरह भेज रहे हैं तो देन ASIN नहीं होगा, उसकी जगह ISBN नंबर होगा। ऑल पब्लिश बुक्स आर साइंड ए यूनिक ISBN नंबर। अच्छा, और इसी तरह यूरोपियन, ये भी रिटेल प्रोडक्ट्स पे होता है और ये बार कोड के नीचे ये एक नंबर लग जाता है, ठीक है। फिर ये दोनों नंबर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हुए हैं कि जब आप कोई अपनी लिस्टिंग बनाते हैं प्राइवेट लेबल में, ठीक है, तो आप उसको एक नंबर असाइन करते हैं जिसको कहते हैं स्टॉक कीपिंग यूनिट। तो ये दिस इज ए नंबर एंड लेटर कॉम्बिनेशन, इसमें मतलब लेटर भी होते हैं और नंबर भी होते हैं, दैट इज यूज टू आइडेंटिफाई आइटम्स इन द कंपनीज इन्वेंटरी। अब मेरी कंपनी मैंने USA में खोली है, उसी नाम से मेरा ब्रांड है, ठीक है, तो मैं अपना जो मेरे पास माल है या मैं चाइना से मंगा रहा हूँ तो चाइना सप्लायर को जो है मैं SKU दूंगा, कि यही SKU लगानी है, ठीक है। तो मैं अपने लिए जो एज ए सेलर के उसकी आइडेंटिफिकेशन करूँ तो वो मैं SKU यूज करूंगा। ये मैं आपको दराज पे SKU दे के भी बताऊंगा, किसी दिन बताइए, याद कराइएगा, मैं दराज के ऊपर आपको, लेकिन दराज का भी पता नहीं बंद है, मैं उस पर दे दूंगा, वेबसाइट पे दिखाऊंगा आपको, ऐड करके चले अपनी वेबसाइट पे ना प्रोडक्ट ऐड करके दिखाऊंगा, तो उस पर भी SKU हम देते हैं और ये FN SKU वो खुद साइन करता है, ठीक है। तो ये कहने का मकसद सिर्फ इतना याद रखें कि ये जिसकी प्रोडक्ट होती है जो सेलर की, जैसे मैं हूँ, मैं बेच रहा हूँ, तो ये मैं ये नंबर बना के जनरेट करूंगा, ये कहने का। और ये मैंने आपको बताया था FN SKU क्या होता है, इसको बोलते हैं फुलफिलमेंट नेटवर्क स्टॉक में, आगे तो वही है स्टॉक में, यानी FN स्टैंड्स फॉर फुलफिलमेंट नेटवर्क, बस ये याद रखें। फुलफिलमेंट नेटवर्क स्टॉक कीपिंग यूनिट जो है ये अमेज़न असाइन है। तो दिस यूनिक आइडेंटिफायर इज हाउ अमेज़न आइडेंटिफाइज द प्रोडक्ट ए यूनिक टू द सेलर हु हैज सेंट इट टू अमेज़न फुलफिलमेंट सेंटर। यानी कि जब हम अपना सामान जो है, जो भी सेलर है वो FBA करेगा, आप भी तो करेंगे ना, आप भी तो जो है जब आप उससे लेंगे ब्रांड से, तो फिर आपको उसको FBA करके तो अमेज़न के वेयर हाउस पे पहुंचाना पड़ेगा, तो उसके ऊपर FN SKU लगा होगा, ठीक है, वो FN SKU उसका लगा होगा ब्रांड का। इस पे बकायदा मैं आपको पूरी एक लेक्चर लूंगा, ठीक है, कि कहाँ पे कौन सा कोड होना चाहिए, कहाँ पे इसमें बड़ी पेचीदगी है। उसमें ये होता है कि अगर वही चीज है, जैसे iPhone है मिसाल के तौर पर, उसकी मैं एग्जाम्पल देता हूँ, iPhone 7 है। अब आप भी iPhone 7 आप भी बेच रहे हैं, आपका भी स्टॉक चलेगा और आपके उन्होंने रैक में लगा दिए, आपके जो भी उसकी पैकिंग है, मकसद है कार्टन है, कार्टन के अंदर छोटे छोटे पैकेट है, उसके अंदर फिर अलग से है, जो भी होगा, तो वो तो लगा दिया। अब दूसरे भी एक सेलर है उसका भी लगा दिया, तो अगर उसका FN SKU प्रॉपर नहीं लगा हुआ, इसी तरह बार कोड प्रॉपर नहीं लगा हुआ, ठीक है, इस तरह की चीजें नहीं लगी, ये दो चीजें याद रखें, किसके हवाले से, जो इन्वेंट्री वगैरह जो है उसकी आइडेंटिफिकेशन के हवाले से, एक FN SKU और एक बार कोड। FN SKU जो है वो अमेज़न आपको देगा, ठीक है ना। बहुत से सेलर ऐसे होते हैं, मतलब जब आप FBA होलसेल करते हैं ना, ब्रांड वाले या डिस्ट्रीब्यूटर जो है,
वो कहता है जी मैंने बारकोड नहीं लगाने, मना कर देगा आपको भाई, ईमेल आप करेंगे, बोला मैंने नहीं लगाने बारकोड, आप मत खरीदे, ठीक है ना। तो मैं जो आपके FNSQU लगाना है, तो फिर आप वो अमेजोन से FNSQU डिमांड करेंगे, तो वो FNSQU जो है प्रोवाइड होगा सेलर सेंटर में, तो फिर वो उसको भेजेंगे, वो नीचे वो लगा देगा, और कई दफा बार कोड भी होगा नीचे FNSQU। लेकिन FNSQU का ये फायदा है कि आपकी चीज जो है मिक्स नहीं होगी, जब वो वेयर हाउस पे जाएगी ना अमेजोन के, तो आपकी चीज गुम नहीं हो सकती, ये जेन में रखिएगा, ठीक है। लेकिन आजकल तो ज्यादातर बारकोड पे काम चल रहा है, क्योंकि बारकोड भी यही काम करता है कि वहां से जो बारकोड जो है ना आपकी हर आइटम या यूनिट को डिस्टिंग्विश करता है दूसरे से, किसी का एक बारकोड दूसरे से मैच नहीं होता। तो इस पे पूरा एक लेक्चर है, वो इंशाल्लाह देंगे तो ये चीजें और क्लियर हो जाएंगी, ठीक है जी। तो अभी आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि SKU तो मैं दूंगा एज ए सेलर, अगर मेरा माल है। आप जब FPO होलसेल करेंगे तो आप उसको कहेंगे, वो खुद ही SKU आपको साइन कर देगा जो भी है, ठीक है। और FNSQU जो है वो Amazon प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये चीजें हम सेलर सेंटर पे आपको दिखा भी देंगे कैसे होती है, ठीक है। तो ये बारकोड प्रिंटेड है टेबल के फॉर्म में, चले। अच्छा, फिर एक और नंबर होता है GTIN, इसको बोलते हैं ग्लोबल ट्रेड आइटम नंबर, ठीक है। ये बेसिकली तीन नंबर्स का अम्ब्रेला होता है, अम्ब्रेला बोलते हैं छतरी को, यानी कि मिक्सचर कह लें, किसका, UPC यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, और यूरोपियन आर्टिकल नंबर, और ISBN नंबर, ठीक है। और हर प्रोडक्ट को ये आइडेंटिफाई करने के लिए यूज है, तो कई जगह पे ये भी यूज होता है, ठीक है। मोस्टली जो है ना वो आप SN यूज करते हैं, FNSQU यूज करते हैं, SQU यूज करते हैं, और UPC, ठीक है। EAN मतलब USA में होता है यूज, GTIN भी होता है, बुक्स में ये भी होता है, तो वो जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक। मजीद आप इसमें जाना चाहते हैं तो इसको गूगल कर लें, EAN, GTIN, और इसका डिफरेंस देख लें SN से क्या है, तो आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इस पर टाइम जाया नहीं मैं कर सकता। मैंने आपको बता दिया जो काम के है ना आपके, वो UPS है, ठीक है ना, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, और कई दफा सिर्फ UPS आप